खबरों में आगे बात करते हैं देवरिया की, जहां पर धमकी बाज जो भटनी एसओ रणजीत भदौरिया के बिगड़े हैं बोल। इतना ही नहीं, बिना महिला पुलिस के एसओ ने घर में घुसकर महिला के साथ अभद्रता की है। आरोपी की पत्नी के मकान पर बुलडोजर चलाने की दी एसओ ने यहां पर धमकी। इसके अलावा एसओ ने कहा कि तुम्हारे बाप के गुलाम है क्या और तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं क्या, और यहाँ पर अभद्रता करते हुए नजर आए। यहाँ पर एसओ और धमकीबाज भटनी एसओ रणजीत भदौरिया ने घर में महिला के साथ अभद्रता की। आरोपी को जमानत के बाद भी बुजुर्ग को एसओ ने पीटा है और धमकीबाज भटनी एसओ रणजीत भदौरिया का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खाकी का रूप दिखाते नजर आए हैं एसओ रणजीत भदौरिया बिना महिला पुलिस के। यहाँ पर एसओ ने महिला के साथ में अभद्रता की, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी देंगे, खाने देंगे, हमारे बाप के गुलाम है, हमारे बाप के हम गुलाम है। तीन बार आए, तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुस्लिम है तो तू नहीं आ जाएगा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो, बेहया हो क्या? भाई पुलिस कितनी बार आए तुम्हारे यहाँ, बोलो कितनी बार आते हो आप पुलिस आए? कौन है? हम खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी देंगे, खाने देंगे, मुल्ली भाई 360 के अगर हाजिर नहीं होंगे तुम आराम से घर रहोगे यहाँ पर। मेरी बात की बोला, हमारे बाप के हम गुलाम है, तीन बार आए हमारे बाप। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, देवरिया का यह मामला, एसओ ने यहां पर महिला के साथ में अभद्रता की है, यानी कि इस तरीके की बात यहां पर की है कि तुम्हारे बाप के गुलाम है क्या, तुम खाने के लिए देते हो क्या, इन सब बातों का आखिरकार क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, पुलिस के जो भी कर्मी हैं, चाहे थाना अध्यक्ष हो या नए जो है कि दरोगा हो या नए सिपाही हो, उनको बात करने की तमीज या लहजा नहीं पता है, किससे किस समय क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कौन पीड़ित है। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा ये लोगों को एक निर्देशित जारी करती कि आने वाले फरियादियों से सुचारू रूप से स्वच्छता पूर्वक बात किया जाए ताकि किसी तरह की पीड़ा न हो। एसओ का ये कारनामा बहुत ही घृणित है और इसको लेकर के गोरखपुर के एसपी ने जो देवरिया के एसपी हैं संकल्प शर्मा द्वारा इसको निर्देशित किया गया है, जांच टीम बैठाई गई है, अब जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह का घृणित कार्य करने वाले लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि जिसके लिए उनके उच्च अधिकारी, उनके अधिकारी और उनके शासन प्रशासन के लोग, शासनिक अधिकारी और सरकार हमेशा ये कहती रहती है कि आप किसी से आने वाले आगंतुक थाने पर आने वाले तहसील पर आने वाले से आगंतुक से या पीड़ित से सुचारू रूप से बात किया जाए, उसमें ये लोग बात नहीं करते, जिसका ये कहीं न कहीं ये जो घटना घटी है वो भटनी में या एक दर्शाता है कि कहीं न कहीं इनके अंदर कमियां हैं, बात करने की शैली नहीं है। बिल्कुल। और हरेंद्र, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि खुलेआम क्या वर्दी के रूप में आप ये कहेंगे कि क्या आपके मकान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, यानी कि खुले तौर पर यहाँ पर वर्दी का रूप झाड़ते हुए आपने जो भी किसी सामने वाले ने अगर गलती की है तो उसको कानूनी तरीके से समझाइए, ना कि आप उनके अंदर खौफ पैदा करिए। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इस समय की पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो आरोपी है वो अधिक पैसे देकर के थाना अध्यक्ष को, वहाँ की पुलिस को खरीद ले रहा है और उल्टा वही पुलिस जो वाकई पीड़ित है उसको धमकाने में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे गोरखपुर का मामला हो या देवरिया का मामला या कुशीनगर का मामला हो या महाराजगंज का, इसीलिए बड़े पैमाने पर लोग घूस लेते हैं, एंटी करप्शन द्वारा पकड़े जा रहे हैं, विजिलेंस द्वारा पकड़े जा रहे हैं। इन लोगों के कारनामे से हर आदमी पीड़ित कहीं जाना नहीं चाहता, जिसके वजह से जनता दरबार में मुख्यमंत्री के समस्याओं का मार रखता है। लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर कहे का यही डर है, भाई कोतवाल हम है, कहीं करोगे जांच हमारे पास आएगी, कहीं कुछ नहीं होगा। इसी बात का ये
या जो बिल्कुल। और हरेंद्र, ऐसे ही पुलिसकर्मियों की वजह से ही तमाम सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन सुनवाई करते हैं, लोगों को बड़े ही आराम से सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, और उसके बाद बड़े ही प्यार से उसके समाधान की बात करते हैं। ऐसे में इस तरीके के पुलिसकर्मियों का रवैया अगर इस तरीके का रहेगा तो आखिरकार जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप जनता के बीच में जाइए और पुलिस का खौफ नहीं, पुलिस के साथ में एक मित्रता के तौर पर लोग अपनी समस्या आपको बता पाए, ऐसा यहां पर माहौल बनाइए, लेकिन ये माहौल तो कुछ और ही नजर आ रहा है। हम बताना तो चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस तरह की कार्य प्रणाली केवल थाने पर ही नहीं हो रही है, तहसील के जितने लेखपाल हैं, लेखपाल इस समय प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़े हुए हैं, एसओ इस समय प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़े हुए हैं, तहसीलदार और कानून को भी प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़े हुए हैं। अच्छा खासा पैसा मिल रहा तो कहे लोग जो कि पीड़ित को न्याय देंगे। ये जो आरोपी है, जो आरोपित जिनको बनाया जा रहा है, उनसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो पीड़ित देख रहे हैं जिनका सहयोग करने वाला कोई नहीं है, न तो मंत्री है न कोई नेता। बिल्कुल, और ऐसे में काफी सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।